हेलो एवरीवन, पूनम सुक्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं लौकी का बचका। दोस्तों ये बिहार की रेसिपी है और बिहार में लोग इसे बहुत ही पसंद से खाते हैं। ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है क्योंकि हम इसे लौकी से बनाएंगे, तो देर किस बात की, चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों लौकी का बचका बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे लौकी लिया है, 1 किलो लौकी है। और दोस्तों आप लौकी खरीदते समय इस बात का जरूर ध्यान रखें कि लौकी में बीज ना हो। तो आप इस तरीके की लौकी खरीदेगा, इससे हमारा बचका बहुत ज्यादा टेस्टी बनता है। बीज वाली लौकी से उतना अच्छा स्वाद नहीं आ पाता है। तो इसे हम छील लेंगे। तो देखिए इसे मैंने छील लिया है और अब मैं इसे इस तरह से कट कर हम इसे छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे। और दोस्तों अगर आपको काटने में प्रॉब्लम होती है तो आप यहाँ पे कद्दूकस कर सकते हैं लौकी को, लेकिन दोस्तों कद्दूकस करने से वो स्वाद नहीं आएगा, इसलिए मैं यहाँ पर देखिए इतने छोटे छोटे पीसेस में इसे कट कर लूंगी। आप चाहे तो आप इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं। तो आप इसका साइज देख सकते हैं, इस तरीके की हमें साइज रखनी है, हमें इसे ज्यादा मोटा नहीं रखना है। तो आप इसका साइज देख सकते हैं, आपको भी इसी साइज में इसे कट करना है। और अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप इसे कद्दूकस कर सकते हैं। तो सभी लौकी को हम इस तरह से काट कर रेडी कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे अपने लौकी को बिल्कुल कट कर रेडी कर लिया है। आप साइज देख सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट है। इसके बाद मैंने इसे एक पतीले में निकाल लिया और अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने देखिए यहाँ पर लिया है 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, इससे बहुत ही अच्छा कलर आ जाता है। इसे तीखा करने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक्स। अगर आप चिली फ्लेक्स नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो लाल मिर्च पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद भुना हुआ जीरा पाउडर डाल देते हैं, और जीरा को मैंने रोस्ट कर लिया था लो फ्लेम पे और फिर इसका पाउडर बनाकर तैयार कर लिया। तो यहाँ पर मैंने 1/4 टीस्पून भुना हुआ जीरा पाउडर लिया है। इसके बाद 1/4 टीस्पून ले लेते हैं गरम मसाला, इसे बहुत ही अच्छा स्वाद आएगा हमारे बचका में। लास्ट में यहाँ पे डाल देते हैं अपने स्वाद अनुसार नमक। मैंने यहाँ पे आधा चम्मच नमक लिया है, आप बिल्कुल अपने स्वाद के अनुसार नमक ले लीजिए। इसके बाद मैंने यहाँ पर एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च लिया है, इसे डाल देते हैं। तो हमने पहले भी लाल मिर्च पाउडर ऐड किया, तो आप इसे ध्यान से डालिएगा, ज्यादा तीखा ना हो जाए। और इसके बाद बारीक कटी हुई हरी धनिया डाल दिया है मैंने, तो इससे बहुत ही अच्छा फ्रेश फ्लेवर आएगा। तो दोस्तों अब इसमें बाइंडिंग लाने के लिए मैं इसमें डाल देती हूँ 2 चम्मच चावल का आटा, और इसी के साथ 2 चम्मच मैं यहाँ पर गेहूं का आटा डाल देती हूँ। इसके बाद हम इन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से अपने हाथों की मदद से मिला लेते हैं। और दोस्तों अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम इसमें बाद में और चावल का आटा या फिर गेहूं का आटा ऐड कर सकते हैं। इसमें हमें बाइंडिंग लाने के लिए इसे डाला है, और अच्छे से पहले इसे मिलाते हैं और बाद में अगर जरूरत पड़ेगी तो और इसमें ऐड करेंगे। तो पहले अच्छे से मिला लेते हैं इसे। और दोस्तों इसमें हम बहुत ही कम पानी का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि लौकी में पहले से खुद का भी पानी होता है, तो इसलिए पानी का हम यहाँ पे कम से कम इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसमें आटा और चावल के आटे को अच्छे से मिला लेते हैं। और दोस्तों इसमें मैंने अभी तक पानी का इस्तेमाल नहीं किया है, तो देखिए यहाँ पर इतने से मुझे थोड़ा सा बाइंडिंग कम लग रहा था, तो मैंने इसमें 1 चम्मच गेहूं का आटा और 1 चम्मच चावल का आटा और डाल दिया है ताकि इसकी बाइंडिंग बिल्कुल परफेक्टली हो। थोड़ी सी मुझे कम लग रही थी, तो टोटल मैंने यहाँ पे 3 चम्मच आटा डाला है और 3 चम्मच यहाँ पर चावल का आटा डाला है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने डाल दिया इसे, और अब हम इसे फिर से मिलाएंगे। तो देखिए दोस्तों अच्छे से मिलाते जाते हैं, पानी का हम यहाँ पे अभी इस्तेमाल नहीं किया है मैंने अभी तक। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मुझे मिक्सचर थोड़ा सा सूखा सूखा सा लग रहा था, तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है, 1 से 1.5 चम्मच यहाँ पे मैंने पानी डाला है, उससे ज्यादा हम लोग इसमें पानी नहीं डालेंगे। और पानी डालने के बाद फिर से इसे अच्छे से मिलाते हैं। तो ये देखिए अच्छे से मिलाने के बाद मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा रही हूँ। तो ये देखिए इस तरीके की है, और इसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ 1 से 1.5 चम्मच पानी डाला। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल जैसे कि एक पकौड़े का हम लोग मिक्सर बनाते हैं, उसी तरीके का यहाँ पर हमारा मिक्सर तैयार हो गया। देख सकते हैं ना ही ज्यादा गीला है और ना ही ज्यादा यहाँ पर थिक कंसिस्टेंसी का है। तो हमारा यहाँ पर मिक्सर बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गया है। इसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया है, और पैन में मैं यहाँ पर टोटल 4 से 5 चम्मच तेल डाल देती हूँ। ज्यादा तेल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम इसे शैलो फ्राई करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 4 से 5 चम्मच तेल डाल दिया है, तेल को हम थोड़ा सा गर्म होने के लिए रख देते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर तेल बहुत अच्छे से गर्म हो गया, फ्लेम को अभी मैंने मीडियम फ्लेम पर रखा है। और इसके बाद हम अपने हाथों में मिक्सर को लेंगे और इस तरह से अपने हाथों से मदद से इसे फैला देते हैं इस तरह से। देखिए बहुत ही दोस्तों इजी सा प्रोसेस है और आप लोग इसे बहुत ही इजीली कर पाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अपने हाथों की मदद से मैंने इसे इतना बड़ा यहाँ पर फैलाकर रेडी कर लिया है। आप चाहे तो आप इसे चम्मच की मदद से भी फैला सकते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर एक फैला लिया। अब मेरे पास यहाँ पर पैन में और थोड़ा सा स्पेस है, तो मैं यहाँ पर और एक बना लेती हूँ। दोस्तों हमें इसे ज्यादा पतला नहीं करना है, इसे थोड़ा सा हम इसे मोटा ही रखेंगे। तो आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस पर आप ध्यान दीजिए। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने दूसरे वाले को भी डाल लिया, थोड़ा सा मैं इसे फैला देती हूँ। और दोस्तों आप ये सेम प्रोसेस चम्मच की मदद से भी कर सकते हैं, स्पून की मदद से भी कर सकते हैं, तो मैं तो आज इसे हाथों से ही कर रही हूँ। अच्छे से स्प्रेड कर दिया मैंने दोस्तों, आप देख सकते हैं। और 1 मिनट तक हम इसे इसी तरह से पकने देते हैं। 1 मिनट के बाद ये देखिए ऊपर से थोड़े थोड़े सूख चुके हैं और नीचे साइड से थोड़े थोड़े गोल्डन भी हो चुके हैं।
तो अब मैं इसे टर्न कर दूंगी। और दोस्तों आप इसे बिल्कुल संभाल के टर्न कीजिएगा, वरना टर्न करते समय ये टूट सकते हैं। तो ये देखिए चम्मच की मदद से मैंने इन्हें टर्न कर दिया, आप देख सकते हैं नीचे से बहुत ही अच्छा गोल्डन सा कलर आ गया और ये क्रिस्पी भी दिख रहा है। तो संभाल कर इन्हें टर्न कर देते हैं। दूसरे वाले को भी देखिए मैंने यहाँ पर टर्न कर लिया, बैक साइड से भी हम इन्हें थोड़ा सा कर लेंगे। तो 2 मिनट में इनमें बहुत अच्छा गोल्डन सा कलर आ जाता है। और दोस्तों मेरे यहाँ पे पैन में थोड़ा सा स्पेस था तो मैं यहाँ पर और एक अपना यहाँ पे बचका बना लेती हूँ। ये देखिए बना लेते हैं इसमें ही। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 2 मिनट हो गए हैं और 2 मिनट के बाद मैं आप लोगों को इसे दिखा रही हूँ। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा यहाँ पर गोल्डन सा कलर आ गया है, दोनों साइड से बहुत अच्छे से ये क्रिस्प हो चुके हैं। तो हमारा यहाँ पर बचका बिल्कुल तैयार हो गया है, तो मैं आपको एक बार सभी को टर्न कर दिखा देती हूँ। तो ये हमारे यहाँ पर बचका बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे और बाकी बचे हुए मिक्सचर को भी बना लेंगे। तो ये देखिए हमारे यहाँ पर बिहारी स्टाइल लौकी का बचका बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। तो अब मैं आपको एक बार इसे तोड़कर भी दिखा देती हूँ। ये देखिए अंदर से बहुत ही सॉफ्ट होता है और ऊपर से उतना ही ज्यादा क्रिस्पी होता है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पर हमारा परफेक्ट लौकी का बचका बनकर तैयार हो गया। तो रेसिपी पसंद आई है ना आप लोगों को, तो लाइक जरूर कीजिएगा रेसिपी को, साथ ही इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर उसके बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। इस रेसिपी को ज्यादा ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।